जमशेदपुर में दो पक्षों की झड़प के बाद हुए हिंसा मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता अभय सिंह को हिरासत में ले लिया है। सोमवार को पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और विष्टपुर थाना ले गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हिरासत में जाने के बाद विधायक सरयू राय ने मुलाकात की। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने जमशेदपुर में फ्लैग मार्च किया। बता दें कि घटना को लेकर भाजपा नेता अभय सिंह ने कहा था कि मंत्री वंदना गुप्ता के क्षेत्र में इस प्रकार की घटना होना दुर्भाग्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला आज पूरे जमशेदपुर में हो रहा है, मगर मंत्री जी चुप और अपराधी मस्त की भूमिका में सड़कों चौराहे पर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। जनता कभी भी मंत्री को इस मामले में माफ नहीं करेगी। जमशेदपुर के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में रविवार को महावीरी झंडा विवाद को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए, एक दूसरे खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव हुआ। उपद्रवियों ने कई दुकानों को आग हवाले कर दिया गया। मामला महावीरी झंडा के पास में प्रतिबंधित मांस को लेकर गर्म हुआ। ऑल पूर्णतः अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन अभी पीसफुल है। जो लोग भी इकट्ठा हुए थे सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। आप देख रहे हैं पूरे इलाका में फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाका में पुलिस गश्ती कर रही है। अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, हाँ, जो भी फोर्स हमारे पास था, बाहर से भी फोर्स आए हैं, एक कंपनी रैप लगी हुई है, पूरे इलाका में फोर्स अभी गश्त कर रही है और अभी माहौल एकदम पीसफुल है। अभी अब जैसा आप देख रहे हैं कि सभी लोग तितर बितर हो गए। जी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। नहीं, अभी घायल की सूचना तो नहीं है किसी। अभी मामला पूर्णतः शांत है। पूर्वी सिंह आप सभी से अपील करती हूँ कि आज कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर एरिया में कुछ छुटपुट घटनाएं थोड़ा सा उग्र रूप धारण कर ली है और दोनों समुदाय के बीच में पत्थरबाजी की गई है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी को ये अपील करना चाह रही हूँ कि कृपया शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार के अफवाहों पर विश्वास ना रखें, ना किसी भी प्रकार के अफवाह उत्पन्न करने वाले किसी मैसेजेस को फॉरवर्ड करें, ना राइट लिख के किसी को भेजें। मेरी आप सभी से अपील होगी कि समाज में शांति प्रस्थापित करने के लिए प्रशासन द्वारा जितने प्रयास किए जा रहे हैं उस सभी में आप हमारा सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कहीं पे भी होने की आशंका है या होते हुए आप देख रहे हैं तो कृपया उसको हमें तत्काल सूचित करें। हम 24/7 अलर्ट है, सिचुएशन पे पूर्ण तरह नियंत्रण में लाया गया है। पुलिस फोर्सेस और एडिशनल पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड है, मैजिस्ट्रेट शहर में तैनात है और हम सभी आपके सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद है। कृपया मैं दोबारा एक बार अपील करती हूँ, किसी भी प्रकार के अफवाहों को या अफवाह प्रसारित करने वाले मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें, इस पर विश्वास ना रखें। किसी भी प्रकार के प्रक्षोभक भाषण शब्द या किसी भी प्रकार के उत्तेजना लेने वाले किसी भी मैसेजेस को ना लिखें, ना फॉरवर्ड करें। आप सभी से मैं सहकार्य की अपेक्षा करती हूँ और शांतिपूर्ण जमशेदपुर बनाने में आप सभी का मुझे सहयोग मिलेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।